पिछले काफी दिनों से प्रत्याशियों द्वारा सभी लोगों से मतदान की अपील की जा रही थी ताकि वो इन विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहरा सके। और इसी कड़ी में जयसिंहपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यादविंद्र गोमा द्वारा भी अपने मत का प्रयोग किया गया। वहीं उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी वोट डालकर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का विश्वास दिलवाया। आपको बता दें कि जयसिंहपुर विधानसभा में सुबह से ही लोग मतदान के लिए आना शुरू हो गए थे और काफी भारी संख्या में लोगों द्वारा वोट डाले गए। जयसिंहपुर से नितिन की रिपोर्ट। आज मतदान यहां पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी हूँ और यहाँ पर पूरे लोगों में उत्साह है कि आज मतदान केंद्र में जाकर उन्होंने अपना वोट डाला है। और निस्संदेह जिस तरह से 5 सालों के भीतर हमने इस इलाके में अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवाए हैं और आने वाले चुनाव जो हैं कांग्रेस पार्टी के हित में होंगे और निस्संदेह यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी।